दो मिनट का किस्सा है मेरे दोस्तों जो आपको सुना रहा हूं, आपको मजा आएगा क्या? बिल्कुल मजा आएगा दो मिनट का किस्सा सुनकर। सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना दोस्तों, जिनका भी एग्जाम है, जिनका होने वाला एग्जाम, वो सभी गौर से सुनना। दो व्यक्ति मैं आपके सामने दिखा रहा हूं दोस्तों, एक है बिल गेट्स, कौन है बिल गेट्स, एक है वॉरेन बफेट दोस्तों। दोनों सबसे अमीर व्यक्ति समझिए आप क्या, पूरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स और दोस्तों वॉरेन बफेट। कौन है? वॉरेन बफेट। इनसे एक बार ये किसी सम्मेलन में दोस्तों दोनों पहुंच गए, तो इनसे ये, इनसे क्या बोला गया, इनसे बोला गया, इनको दोस्तों पेज दिया गया और इनसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, इसमें अपनी सफलता का राज लिखिए, क्या अपनी जो सफलता है उसका राज लिखिए। इससे बोला गया दोस्तों, बिल गेट्स से बोला गया और वॉरेन बफेट से बोला गया, लेकिन लिखना केवल एक ही शब्द है, क्या दोस्तों? एक ही शब्द लिखना है। दोनों से ये बात बोल दी गई। अब आप सोचिए, दोनों दोस्तों विश्व के सबसे शक्तिशाली, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अधिक मेरे दोस्तों सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों आपके सामने हैं, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। दोनों को अपनी जिंदगी की जो सफलता है, अपनी जिंदगी का जो संघर्ष है, उसको एक शब्द में लिखना है, क्या दोस्तों? एक शब्द में लिखना है। और वो शब्द पता है इन्होंने क्या लिखा मेरे लाडलो? वो शब्द लिखा फोकस। क्या लिखा मेरे दोस्तों? वो शब्द लिखा फोकस। कीजिए क्या? कीजिए फोकस। कीजिए कोई एक काम पकड़ लो, क्या कोई एक काम पकड़ लो और इस काम को दोस्तों नष्ट ना मत करो, क्या दिल से इसी एक काम पर फोकस करो। ये तुमको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों कोई एक एग्जाम पकड़ लो, ये भी देना, इसकी भी तैयारी, इसकी भी तैयारी, एग्जाम सारे दो, लेकिन एक बार जम के एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और लक्ष्य को पाने के बाद में दूसरा लक्ष्य निर्धारित करो दोस्तों। इस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर करते जाओ। ये फोकस वर्ड जिसके समझ में आ गया ना, वो निश्चित मेरे दोस्तों एग्जाम को क्रैक करने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, मेरे दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो, आप सभी को नष्ट नामूद कर सकते हो। बस मेरे दोस्तों आपको एक ही काम करना है, क्या एक ही काम करना है, एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस लक्ष्य पर पूरी तरह खुद को झोंक दो, खुद के दिमाग को झोंक दो, खुद के शरीर को झोंक दो, खुद की पढ़ाई को झोंक दो, कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों इस फोकस का पोस्टमार्टम कर दो, क्या इस फोकस को मेरे दोस्तों छोड़ना मत, ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ये बात दोस्तों मैंने नहीं, वॉरेन बफेट और किसने कही थी? ये वॉरेन बफेट और दोस्तों बिल गेट्स ने कही थी, जो शक्तिशाली हैं, सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। फिर आपको दोस्तों कोई और कहानी सुनाऊंगा बाद में। ऑल दी बेस्ट मेरे शेर सहेलियों, क्या मेरे शेर सहेलियों, ऑल दी बेस्ट केवल दिल्ली पुलिस नहीं सभी के।